हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह में मैं ब्रेकफास्ट में ये चने भून रही हूँ और ये चने लगभग भून चुके हैं। 2 से 3 मिनट ही बस मैंने इसको भूना है। थोड़ा सा नमक डाली हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। हरी मिर्च डाल सकती थी बट स्पर्श को बहुत ही ज़्यादा तीखा लगता है तो मैंने डाला ही नहीं है आज। तो ये दोनों बाउल्स में मैं निकाल ले रही हूँ। साथ ही में मैं थोड़ा सा कॉर्न वाला जो नमकीन होता है ना, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर मैं चाहती ना तो प्याज वगैरह, कच्चा प्याज थोड़ा सा कट करके डालती तो उससे और भी ज़्यादा टेस्टी होता। ये कॉर्न थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा ना कि इसको थोड़ा क्रिस्पी करने की ज़रूरत है, तो मैं कढ़ाई में ही डाल के इसको क्रिस्पी कर ले रही हूँ। बाकी थोड़ा सा मैंने इसमें सेव डाल दिया है, दोनों में जो नमकीन वाली सेव होती है, आलू भुजिया वाली ये सेव है। और भी कॉर्न था ना तो उसको भी मैंने साथ ही साथ सोची कि एक ही बार सारा मैं क्रिस्पी कर देती हूँ, फिर मैं डब्बे में डाल दूंगी, नहीं तो दोबारा फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती। पैन ये दोनों बाउल मैंने निकाल के और स्पून लगा दी हूँ और इसको ले जा रही हूँ, स्पर्श को दे देती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को। तो मैंने ये ब्रेकफास्ट हमारा यही है, तो आप लोग भी खा लीजिए। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट और चने ही आज भून ली थी, बाकी आज कुछ बनाई नहीं हूँ। दोपहर में सोची हूँ कि कढ़ी बनाऊंगी। तो और यहाँ पे स्पर्श को स्कूल लेके जाना था तो मैंने उसको अभी तैयार करा दिया है। और एक्चुअली ना जो स्कूल वाला उसका पैंट है वो नहीं पहनाई हूँ क्योंकि अभी डेंगू है ना, तो उसको फुली पहना के लेके जाना था और उसका आज पेपर है, तो मैं पेपर दिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। रेडी मैं भी हो चुकी हूँ और बस थोड़ी देर में ही निकलना है। उसको शूज़ वगैरह पहनाना है, उसका बैग तैयार करना, आई कार्ड वगैरह उसको लगाना है। और मैं भी अपना शूज़ निकाल ली हूँ अभी पहन के जाने के लिए। तो बस उसको ना बीच में उसका लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, तो वही मैं उसको अभी लगा रही थी लिप बाम लगाती हूँ। फिर उसको बोलता है ना कि लिपस्टिक है। देन अभी सॉक्स उसका ढूंढ के लेके आई क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पहन के गया नहीं था, तो सॉक्स मैंने ना उसकी अलमारी में उसी के कपड़ों के पास रख दिया था ताकि वो ईजिली मुझे मिल सके, ध्यान नहीं आ रहा था मुझे। तो बस उसको सॉक्स एंड स्पर्श को स्कूल के लेके निकल चुकी हूँ और करीबन 9:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, तो पहुँच के फिर उसका पेपर दिलवाऊंगी और साथ ही साथ लेके चली आऊँगी क्योंकि बहुत ही सारे बच्चे ना स्कूल नहीं जाते हैं डेंगू की वजह से। यहाँ पे इतना ज़्यादा डेंगू का कहर है ना, स्पर्श का स्कूल जैसे दूर से हम लोग चले हैं ना। स्पर्श एग्जाम दिया, बोलो स्पर्श ने एग्जाम दिया, एग्जाम दे के जा रहा है स्पर्श। और सारे बच्चे लगभग ना चले ही जाते हैं क्योंकि अभी यहाँ इतना डेंगू का है ना, कोई छोड़ता नहीं है, बस पेपर दिलवाने के लिए सब लेके आ रहे हैं अपने बच्चे को और लेके चले जाते हैं साथ में। लिखे हो मैट? हाँ, और क्या लिखे हो? हाँ सेट। अच्छा, परसों पेपर है, फिर परसों आना इसको। ओके चलो चलो, बदमाशी नहीं। शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट की रिव्यू, जो लोगों को ओपन पोर्स की या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या फिर एक्ने की प्रॉब्लम होती है या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एंड गाइज, आपको पता है अब आप सिर्फ 40 दिन में अपने स्किन प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम या फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, एक्ने मार्क की प्रॉब्लम या फिर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। एंड गाइज, हमारे फेस पे कुछ भी हो जाता है जैसे पिंपल्स हो गया, फिर डार्क सर्कल हो गए, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हमारे फेस पे अगर हो जाता है ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हम बार बार अपने चेहरे को देखते हैं कि ये क्या हो गया है। एंड इसका इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पे भी पड़ता है, अगर हमारे फेस पे कुछ हो जाता है तो डायरेक्ट हमारी पर्सनालिटी पे इसका असर भी पड़ता है। एंड गाइस, ओपन पोर्स की वजह से हमारे स्किन में इम्प्यूरिटीज जमा हो जाती है जिसकी वजह से हेड्स की प्रॉब्लम, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स हो जाते हैं। तो बात आ जाती है इन सब चीजों से आप अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो पुराने जमाने में जैसा कि हमारी दादी या फिर नानी वो लोग कोई भी ऐसे क्रीम नहीं लगाते थे, वो लोग हमेशा अपने फेस पे अपने स्किन पे प्योर ऑयल ही यूज किया करते थे। ऑयल यूज करने से उनकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती थी, कोई भी प्रॉब्लम उनके स्किन पे फेस पे कुछ भी नहीं होता था। एंड गाइस, इन सब चीजों से निजात पाने के लिए मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल, जिसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं। प्राइस की मैं बात करूँ तो 480 रुपीज इसकी प्राइस है। सेल्फ लाइफ हमें 3 इयर्स की मिल जाती है। और नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल जो है, ये इसकी क्वांटिटी जो है ये 30 ml दी हुई है। इससे पहले इसका 100 ml वाली क्वांटिटी आता था, बट अभी इसका 30 ml आ गया। ये जो 30 ml है ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स बता देती हूँ कि इस ऑयल को यूज कैसे करना है और आप इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो गाइज, इस ऑयल को यूज करना बहुत इजी है। जस्ट आपको 3 से 4 ड्रॉप लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, आप कितना यूज करना चाहते हो, उसके बाद बस इतने ही ड्रॉप लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस ऑयल को लेके अपने हैंड पे मसाज करके दिखाती हूँ। आपको अपने फेस पे लगाना है जहाँ भी इफेक्टेड एरिया है, तो आपको लगा के अच्छे से इसको मसाज करना है ताकि आपके स्किन में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए। जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, उसके बाद आपको छोड़ देना है। देख सकते हैं मेरे स्किन में अच्छे से ये ऑयल एब्जॉर्ब हो चुका है। गाइज, ये आपके स्किन में होने वाले इंडियर्ड स्किन पोर्स को फिल करता है, साथ ही साथ अगर आपके फेस पे स्कार्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और 100% नेचुरल सेफ एंड इफेक्टिव है ये। और इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एंड मोरिंगा ओलिफ्रिया से है। एंड गाइस, आपको पता है मोरिंगा ओलिफ्रिया एक नेचुरल हर्ब है, आयुर्वेदा में इसकी काफी यूज किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है जो हमारी स्किन के पिंपल्स मार्क्स ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और जब से मैंने ये पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल यूज करना शुरू की हूँ तब से मुझे बहुत सारे जैसे एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड गाइस, पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल यूज करने के बाद आप देखो कि इससे आपकी स्किन काफी हाइड्रेटेड स्मूथ हो जाती है और आपको रिजल्ट देखने के लिए एटलीस्ट 40 डेज तक तो आपको यूज करना ही होगा। तो अगर आपको कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल है जो 100% नेचुरल एंड बहुत इफेक्टिव है। एंड गाइज, इसको मैं आप लोग के साथ इसलिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक 75% लोगों ने फेशियल क्रीम से ज्यादा फेशियल ऑयल को प्रीफर किया है और ये बिल्कुल सेफ भी है और नेचुरल है। साथ ही साथ अगर आपको स्किन रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है तो आप अपने बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए और कोई भी आपको हेल्थ एडवाइस चाहिए तो आप नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाने वाली डॉक्टर से फ्री कंसल्टेट ले सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना है और खुद की डिटेल फिल करनी है एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू। तो गाइज, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड गाइज, अभी लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी, साथ में पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे पकौड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा ही ऑयल डाल के फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं उस ऑयल को ना दोबारा रीयूज नहीं करना चाहती। एंड अभी मैं बाहर आई थी कढ़ी पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर में जब फ्रेश कढ़ी पत्ता कढ़ी में डालो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं कढ़ी पत्ता भी तोड़ के और इसको लेके जा रही हूँ। और पकौड़े जो थे वो भी फ्राई हो चुके थे और उसको मैं अभी निकाल रही हूँ। बस 2 बैच मैंने फ्राई किया, 2 बैच में आराम से फ्राई हो गए। और मैं इतना बना रही हूँ ना कि ताकि इनको रात को भी कड़ी मिल जाए, क्योंकि इनको बहुत ही कम चीज़ें मिल पाती है अगर हम दोपहर में बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बना के फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि रात में गर्म करके और इनको खाने के साथ में दे दूँ। तो बस यहाँ पे पकौड़े सेकंड बैच फ्राई हो रहा है और मैं यहाँ दही डाल दी हूँ। दही के साथ उसमें जो बाउल में लगा हुआ था ना उसको भी डाल दी और साथ में 2 से 3 चम्मच बेसन डाली हूँ। और मुझे दही की क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम लग रही थी तो और मैं दही इसमें ऐड करूँगी, साथ में बेसन ऐड कर रही हूँ। और पकौड़े भी अभी फ्राई हो रहे थे, सेकंड वाला बस उसको निकालना रह गया है। तो इतना ही मैंने बेसन यूज़ किया, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि एक टाइम ही हमें खाना है, मुझे और स्पर्श को, और स्पर्श तो उतना ज़्यादा नहीं खाता है। और फिर इनके लिए मैं रख दूँगी, बस इतना ही सफिशियंट है हमारे लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको घोल ले रही हूँ, साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाला, नमक और हल्दी, और बाकी चीज़ें कुछ भी इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल ले रही हूँ, इसका अच्छे से इसका बैटर तैयार कर ले रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं चौकूंगी। दही मुझे कम लगा था तो मैंने दही को और भी इसमें ऐड किया है।
यहाँ पे मैंने दो लहसुन को निकाल लिया था और कढ़ाई में मैं जीरा डाली, थोड़ा सा मेथी डाली, हरी मिर्च डाली हूँ, कड़ी पत्ता डाली हूँ, सूखी लाल मिर्च भी डाल सकती हूँ बट मैं नहीं डाल रही हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा लहसुन को कट करके डाल दे रही हूँ और मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर दे रही हूँ, बस जरा सा ही मस्टर्ड। जितना ऑयल आप कम यूज़ करो ना उतना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन आप लोग फिर मुझे कंजूस बोलते हो ऑयल नहीं डालती, लेकिन मुझे जितना सही लगता है अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैंने बड़ियों को डीप फ्राई भी किया था, थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और देखिए यहाँ पे इसको मिक्स कर ले रही हूँ जो दही और बेसन था। और उसके बाद ये जो तड़का मैं लगा रही हूँ ना इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी हल्दी। हल्दी पाउडर बाद में भी डाल सकते हैं बट मैं अभी डाल दे रही हूँ हल्दी। प्याज भी डाल सकते हैं बट प्याज वाला टेस्ट उतना मुझे अच्छा नहीं आता है और इनको भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं प्याज ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने इसका घोल डाल दिया है और इसको चलाती रहूँगी जब तक ये खौलेगा ना, मतलब थोड़ा सा खौलाना है हमें 7 से 10 मिनट तक तो कम से कम मैं इसको खौलाऊँगी। बहुत सारे कम लोग कम देर खौलाते हैं तो मुझे जितना खौलता है उतना अच्छा लगता है। बाकी जो भी चीज़ें थी डस्टबिन में मुझे डालनी थी, जैसे लहसुन का छिलका वगैरह था, ये सब मैंने डस्टबिन में डाल के और प्लेट्स को वॉश करके मैंने अभी रख भी दिया है। काउंटर टॉप को भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर ले रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जो भी गंदा लगता है ना साफ़ करते जाती हूँ, इससे ठीक रहता है, किचन भी साफ़ सुथरा दिखता रहता है। और अभी मुझे रखना है राइस, तो अभी कड़ी खोल रहा था, अभी पकौड़े उसमें डाली नहीं हूँ, तो काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया। अब नमक नहीं डाली हूँ, नमक सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, तो नमक का डब्बा जो है ना निकाल के मैं रखी हूँ। और मेरा नमक का जो डब्बा है ना वो ख़राब हो गया, उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो स्लिप करता है, मतलब वो बैठता नहीं है। एक दिन तो पूरा नमक ही मेरे हाथ से गिर गया था। और बस यहाँ पे साथ ही साथ मैं यहाँ पे गैस को भी साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर यहाँ देखिए कड़ी भी खोलने लगी है, तो अब मैं इसमें पकौड़ी भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि पकौड़े थोड़े से फूल जाएंगे ना, तुरंत तुरंत खाना है, लेट खाना होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो ये भी थोड़ा पक जाएगा, फूल भी जाएगा ज़्यादा। और उसके बाद मैं अभी रख देती हूँ राइस। तो प्रेशर कुकर मैंने निकाला, ये बड़ा वाला प्रेशर कुकर ऐसे ही था, तो मैं कभी कभी वो यूज़ होता है, तो मैं उसको वॉश करके रखी थी और मैं उसको रख दी हूँ साइड में, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकालूंगी, क्योंकि एक कुकर मेरा ज़्यादा पड़ता है और वो कभी कभी जैसे जल्दी रहती है ना दाल चावल दूसरी साइड में रख दो, या फिर ये जूठा है तो फिर बना लेती हूँ। तो वॉश चावल को वॉश करके और मैं इसको रख दूंगी। और जब मैं ना लेमन वाला राइस बनाती हूँ बड़ा टेस्टी लगता है, बट आज मन कर रहा था, फिर मैं सोचा कि नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि टाइम नहीं था। और लंच रूटीन आज मैं बहुत ही दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लंच रूटीन बहुत ही कम शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो बस चावल को वॉश करके और इसमें पानी डाल के और मैं इसको भी बिठा दूँ। और यहाँ देखिए कड़ी तैयार हो चुकी है, बस मैं इसको बंद कर दे रही हूँ और खाना जब बन जाएगा तब हम लोग लंच कर लेंगे। राइस अभी बन रहा है। और उसके बाद गाइज ये हो गया था शाम का टाइम, मतलब शाम का टाइम मतलब दोपहर का ही था, 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम था। और यहाँ पे ना डेंगू इतना ज्यादा फैला हुआ है कि बस इस टाइम पे ना फॉगिंग हो रही थी, और इससे पहले भी हुआ था, बस रोड साइड में हुआ था, लेकिन इस टाइम पे हर एक घर में हो रहा था, तो ये भी ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है हो रहा है तो क्योंकि मैं भी ना अपना घर बंद करके रखती, लेकिन अभी फॉगिंग हो रही थी तो मैं भी इस दरवाजे को ओपन कर दी ताकि अंदर अंदर तक जो भी उसका धुआं है ना वो चला है। तो देख सकते हैं अभी नीचे से ही किया गया था, ऊपर आके नहीं किया गया था, लेकिन हर एक घर में हो रहा था, तो इतना ज़्यादा इन लोगों ने सीढ़ी पे कर दिया था कि ताकि ऊपर भी आ जाए सारा धुआं जो था। और हम तो एकदम परेशान बाहर निकले हुए थे, स्पर्श को भी मास्क वगैरह लगा के मैं बाहर अभी निकली हुई थी, देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अभी भी स्पर्श को बोली स्पर्श फटाफट आप मास्क लगा लो और चलो हम लोग बाहर चलते हैं। बाकी डोर वगैरह सब मैंने ओपन कर दिया था ताकि अंदर तक, और खाना जो भी था उसको मैंने ढक दिया था, फ्रिज में डाल दिया था, ये सब मैं कर दी थी। और अचानक से आए ना, फिर मेरे को भी समझ में नहीं आया और मैं यहाँ पर बोली स्पर्श फटाक से मास्क लगाओ। ये पूरा अंदर तक आ रहा है, मास्क पहन जल्दी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो बाहर चलते हैं, आ जा इधर बाहर आ जाते हैं, आ जाओ अंदर, फैन बंद कर दो, रुक जाओ। पूरा मत जाओ, आ जाओ इधर, अंदर मत जाओ। धुआं धुआं
मास्क लगा के ही रहना बेटा, अभी खत्म नहीं होने वाला है ये स्पर्श का ट्यूशन, स्टार्ट होने वाला है। इधर का भी डोर ओपन कर दूं क्या? इधर का भी कर दो। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ये 2 से 3 घंटे में ये सारा कुछ खत्म हुआ था। बाकी थोड़ी देर बाद स्पर्श का ट्यूशन स्टार्ट हो गया था। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।